हेलो दोस्तों, मैं दिलीप आउटी, बिजनेस कोच और लाइफ कोच, आपका इस बिजनेस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे इंडिया की कुछ ऐसी हालत है कि बहुत सारे लोग अपने खुद के दम पर कुछ करना और बनना चाहते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप उसके लिए आ रहे हैं, बहुत सारे सोलोप्रेनर एंटरप्रेनर के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। बट सबसे बड़ी और बहुत ही अहमियत वाली चीज़ ये है कि सभी एंटरप्रेनर सक्सेसफुल नहीं बनते हैं। मैक्सिमम लोग स्ट्रेस में और डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तनाव भी बिजनेस करते वक्त आ रहा है। ये स्ट्रेस आने का कुछ रीजन भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम बिना जाने उस बिजनेस में जंप कर देते हैं, ऐसा नहीं कि उस बिजनेस में हमारे लिए कोच नहीं होता है। बट कुछ बिजनेस कोचिंग, कुछ हार्वर्ड, कुछ ऐसे बिजनेस स्कूल्स आपको कुछ एक राय देना चाहते हैं। उसकी अंदर की कुछ चार बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले, आप एक स्टार्टअप, आप एक बिजनेस शुरू करते हो तो पीछे आने के लिए पहली वजह होती है कि उसके बारे में कुछ नॉलेज आपको गेन करना जरूरी होता है, कुछ नॉलेज आपको जानना जरूरी होता है। यू नीड टू नो द नॉलेज एग्जैक्टली आपने जो शुरू किया है उसके बारे में। आपको सही जानकारी आपने ली है या देने वाले ने आपको सही जानकारी दी है या नहीं है, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज होती है, उस बिजनेस को एग्जीक्यूट करते वक्त आपके पास सही स्किल है क्या, क्योंकि बिजनेस काफी चीज आपसे चाहता है। बहुत सारी चीजें आपके पास डिजर्व आप करते हैं तो ही आती है। आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, वो मिलता है आपको जो आप डिजर्व करते हैं। और डिजर्व किस वजह से आप करते हो, बिकॉज ऑफ द स्किल। आपको स्किल बहुत उस बिजनेस के अंदर जानना जरूरी है। नहीं है स्किल आपके पास नहीं है, ये कोई मदर के पेट से सीख के आने वाला जॉब तो बिल्कुल नहीं है। यही से डेवलप किया जा सकता है। और पता है आपको, स्किल का मम्मी, स्किल का मदर जो है वो कौन है, वो है प्रैक्टिस। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपके पास वो स्किल आ जाएगा। स्किल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत आसानी से उसको सीख सकते हैं, स्किल इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। और जब आपके पास स्किल आता है तब आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा इजीली हैंडल कर सकते हो। सो आपके पास नॉलेज हो, आपके पास स्किल हो, वो बहुत ही जरूरी है। और स्किल के पास थर्ड आता है, आपको बिजनेस आपके नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है तो वो होता है इंटेलिजेंस। आपके पास थोड़ा सा स्मार्टनेस होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस स्मार्टनेस से चलता है। आप एकदम सिंपली, आपको नॉलेज मिल गया, आपके पास स्किल है, यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर फेल हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा स्मार्टनेस अपने बिजनेस में लाने की कोशिश नहीं करते। ट्रेडिशनल वे से चल रहे, सालों से वो चलते आ रहे वही चल रहे, या तो उनका कोच उनको ट्रेडिशनली गाइड करता है। कोई ना कोई आपके बिजनेस में आगे होगा, सोच के देखिए, कोई ना कोई जरूर आपके बिजनेस में आगे होगा। थोड़ा सा आगे उसकी जानकारी लीजिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिए, उसका स्मार्टनेस समझ लीजिए, कोई ना कोई कोच से समझ लीजिए, जान लीजिए। और स्मार्टनेस जब आपके पास आता है तब बस उसको इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंस हमारे पास हो। तो आपके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज हो, आपके पास स्किल हो, आपके पास तीसरी चीज होती है स्मार्टनेस, वो है तो बिजनेस के आपका नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। नहीं, सबसे बड़ी चीज अभी आने वाली है, क्योंकि ये तीन चीजें उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बिजनेस आपका ग्रो होगा, बिजनेस आपका नेक्स्ट लेवल लेगा, बिजनेस एक फिगर अचीव करेगा आपके एटीट्यूड की वजह से। दृष्टिकोण होना चाहिए आपके पास। बिजनेस स्कूल ये कहता है, आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास नॉलेज, आपका स्किल और आपके पास जो स्मार्टनेस है, ये तीनों को केवल 7% देते हैं। कितना? 7% मिलते हैं केवल, 7%। 93% इज डिपेंड अपॉन योर एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, क्योंकि दृष्टिकोण आपको टफ बनाएगा। सिचुएशन आपके साथ हमेशा नहीं होगी, बिजनेस है बॉस। आप कई लोगों को गाइड करने वाले हो, कई आपका एग्जाम्पल क्रिएट करने जा रहे हो, बॉस आपके फील्ड में आप नंबर वन बनने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपके कुछ पेशेंस तो चेक होंगे, कुछ आपका पैशन तो चेक होगा, आपका अंदरूनी टफनेस तो चेक होगा। तो 93% आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है दृष्टिकोण। व्हाट इज दृष्टिकोण, व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड, इट इज द वे यू थिंक, आप जिस प्रकार से देखते हो, इट इज योर फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम रेडी है? कम ऑन, फ्रेम रेडी है वहां पे, आप उसके अंदर कौन सा फोटो डालते हैं उस हिसाब से उस फ्रेम का महत्व बनता है। उसी प्रकार से लोगों के पास फ्रेम रेडी है, बट जो अंदर फोटो डालने वाले है वो, दैट इज आवर एटीट्यूड, वो हमारा दृष्टिकोण है, वो टफ होना चाहिए। बहुत सारे जानवर आप जंगल में देखते हैं, बहुत सारे जानवर पेट एनिमल्स भी आप लोग देखते हैं, टफ एनिमल कौन सा है? लायन। बिकॉज कोई भी क्वालिटी नहीं होने के बावजूद भी लायन जो है वो फॉरेस्ट का राजा एटीट्यूड से है। आप टफ एनिमल्स में देखोगे तो राइनो,
बहुत सारे एनिमल है, एक सिंगल हॉर्न, बट टफनेस के कारण राइनो एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है। बहुत सारे एग्जांपल लीजेंड्स देखो आपकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में देखो, आप स्वामी विवेकानंद को देखो, आप किसी बिजनेस ओनर रतन टाटा जी को देखो, आप किसी बिजनेस ओनर या साइंटिस्ट या रिसर्च या प्रेसिडेंट हमारे, या जिनको भारत रत्न मिला ऐसे हमारे अब्दुल कलाम जी को देखिए, सभी लोगों के पास अगर एक चीज, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबके पास था, नॉलेज सबके पास था, स्किल सबके पास था, स्मार्टनेस सबके पास था, बट क्यों ये लोग लीजेंड बने? Because of the attitude. आपको सबसे पहला आपका business, आपकी life, आपका परिवार अगर next level पर लेके जाना है, तो सबसे पहले आपका दृष्टिकोण बड़ा करना चाहिए। ये एक बात हमेशा याद रखो, come on, कि नजर का operation संभव है, नजरिए का operation संभव नहीं है। आपको नया दृष्टिकोण कोई और नहीं दे सकता, ये आपको सीखना होगा और believe करना होगा कि आप आपकी life को next level पर लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल है life, बस एक दृष्टिकोण से जियो, आपको जीना यादगार बना सकते हो, आप अपने आप में एक मिसाल बन सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों इस वीडियो को डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों में फेसबुक पे शेयर करना मत भूलिए, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए दिलीप आउटी, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपका हमसे जुड़े रहने के लिए मैं टीम दिलीप आउटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।